मंदसौर जिले में इन दिनों लगातार हो रही बारिश की वजह से लाखों किसान परेशान हो रहे हैं। हजारों किसानों के सोयाबीन की फसल पककर तैयार है, जिसकी कटाई करके घर तक ले जाना है। ऐसे में प्रकृति ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है, जिस कारण लाखों किसानों का मुंह का निवाला छिनने के बराबर हो गया। किसानों की मेहनत अपने आंखों के सामने मिट्टी में मिल गई। जिधर भी देखो उधर खेत तालाब में तब्दील हो गए। कई नेता किसानों के हमदर्द बनकर सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं और सरकार को भरी नींद से जगाया जा रहा है। इसी कड़ी में मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी श्यामलाल जोगचंद ने अपने समर्थकों के साथ किसानों के समर्थन में रैली निकालकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से श्यामलाल जोगचंद ने कहा कि सरकार सर्वे का खेल बंद कर किसानों को तुरंत फसल मुआवजा दे। साथ ही मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में व्यापक घोटाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जगदीश देवड़ा की निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही करने की मांग भी की गई। स्टार 24 न्यूज मंदसौर। पूरी मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पूर्ण रूप से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, चाहे सोयाबीन ले लो, मूंग ले लो, उड़द ले लो, या जो भी फसलें जो ऊँटी की लसन ला करके वही, वो भी खत्म हो गई। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि यहाँ उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का क्षेत्र है, उसके बावजूद आज तक किसी किसान के खेत में दूर दूर तक कोई सरकारी कारिंदा दिखाई नहीं दिया, किसी ने किसानों की कोई सुध नहीं ली। आज सारे क्षेत्र के किसान अन्नदाता यहाँ पर एकत्रित हुए और उन्होंने ये मांग करी कि तत्काल बिना सर्वे के मुआवजा दें, लेकिन सरकार के जो लोग हैं वो गोलमोल जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि सर्वे हो रहा है, ठीक उसके जो कि यहाँ इस क्षेत्र में 2019 में जब हमारे यहाँ पर अति वर्षा हुई थी, उस समय करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करके मल्हारगढ़ तहसील के जो अधिकारियों ने डकार गए थे उन पैसों को, वो जब जांच हुई तो बाहर निकला तो वो पैसा कलेक्टर ऑफिस में जमा है, उन किसानों को वो भी नहीं मिला। तो इन सारी बातों को लेकर के हम लोगों ने यहाँ आज आंदोलन किया। इसके साथ साथ व्यापम घोटाला, जो कि व्यापम में एक बड़ा घोटाला 2012 से सुर्खियों में है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कि हमारे विधायक हैं पूर्व विधायक पारस सकलेचा जी रतलाम के, उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक उस मामले को ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेकर के 45 आरक्षकों को, जिनकी जो महिला आरक्षक की भर्ती होना थी वहाँ पुरुष आरक्षक की भर्ती कर दी है, और जगदीश देवड़ा जी ने करोड़ों करोड़ रुपये डकार करके उन गलत तरीके से नियुक्तियाँ करी, उसके खिलाफ भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उनको तत्काल वहाँ से हटाया, और जो तनख्वाह उन लोगों को मिली वो वजीफा भी उन्होंने वापस मांगा है। हम ये मांग करते हैं कि तत्काल क्षेत्र के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री और जो पूर्व मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, दोनों को निष्पक्ष जांच तभी होगी कि अभी उनको तत्काल पकड़ के पुलिस जेल में डाले और उसके बाद जांच करेंगे, तो निश्चित रूप से हजारों हजार जो युवा है उन लोगों का भविष्य का जो बर्बाद कर दिया उनको न्याय मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि 40,000 रुपये प्रति हेक्टर से मुआवजा देना चाहिए, जब 2008 में उस समय जो सरकार थी तत्कालीन सरकार कमलनाथ जी की, उन्होंने उस समय दिया था। लेकिन हम मांग करते हैं कि 40,000 का जो उनको मुआवजा दिया जाए, इसके साथ साथ उनको फसल बीमा दिया जाए, और साथ ही फसल बीमे के साथ जो रबी की फसल है उनको खाद बीज उपलब्ध कराने के लिए ये किया जाए, बिजली बिल जो आ रहे हैं वो स्थगित किया जाए, इसके साथ ही जो बैंकें की जो ऋण वसूली है वो तत्काल किसानों से ऋण वसूली स्थगित की जाए और तत्काल किसानों को राहत दी जाए। इसमें फसल मुआवजे संदर्भ में वर्तमान जो बारिश हुई है उसमें इनके द्वारा आवेदन दिया है कि वहाँ पे जो उसका सर्वे किया जाए और जो भी विधिवत मुआवजा बनता है उसके लिए ज्ञापन दिया है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय संबोधित किया है, जो अग्रिम कार्रवाई के लिए ऊपर भेजा जा रहा है। वो आवेदन दिया है, उसको जांच का विषय है, तो उसको आगे अग्रिम कार्रवाई के लिए मूलतः जो संबोधित किया माननीय राष्ट्रपति महोदय को वहाँ भेजा जा रहा है। थैंक यू।